बीते शुक्रवार विनोद खन्ना को तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें गिरगांव HN रिलायंस फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर में एडमिट कराया गया। रिपोर्ट्स की माने तो वो साल भर से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। अभी तक उनके किसी भी फैमिली मेंबर ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। विनोद खन्ना अक्सर पुणे में ओशो के आश्रम जाते थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने कई शूटिंग शेड्यूल भी पुणे में ही रखवाए। दिसंबर 1975 में जब विनोद खन्ना ने फिल्मों से संन्यास लेने का फैसला लिया था तो सब चौंक गए थे। उन्हें सेक्सी सन्यासी तक कहा जाने लगा था। विनोद अमेरिका चले गए और ओशो के साथ करीब 5 साल गुजारे। विनोद खन्ना आचार्य रजनीश ओशो के साथ अमेरिका के ओरेगन में कम्यून स्थापित करने के लिए चले गए थे। वहां पहुंचने पर ओशो ने उन्हें अपने पर्सनल गार्डन की देखभाल के लिए बतौर माली नियुक्त किया। एक इंटरव्यू में खुद विनोद खन्ना ने स्वीकार किया था कि अमेरिका के ओशो आश्रम में वे कई साल माली रहे। वहां वो तकरीबन 4 साल तक रहे और अमेरिका द्वारा ओशो आश्रम बंद करने के बाद इंडिया आ गए। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।